प्रीमियर एक्सप्लोसिव है ये 532 रुपए के आसपास का भाव है इस समय। आज करीब करीब 5% की तेजी दिखा रहा है। सर एकदम नियर टू रेसिस्टेंट में है, ट्रेड कर रहा है और अभी 5% का सार्किट में है, ट्रेड कर रहा है। तो सार्किट टू सार्किट चल रहा है लास्ट 2-3 दिन से। तो मेरे को लगता है एक बार 550 के आसपास एक बेस इस काउंटर को बनाना चाहिए। अगर 550 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद ही मैं यहाँ पे इस काउंटर को लेके कुछ सोचूंगा, उससे पहले अभी नहीं, बिकॉज रेजिस्टेंस पे ही है। 525 से 530 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। जो हो सकता है ये जो काउंटर बेस चल रहा है सर्किट टू सर्किट, तो पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकता है यहाँ से नीचे भी आ जाए। तो एक बार 550 के ऊपर जाने दे तो उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ही कम लेना चाहिए जिन जिन्होंने भी लिया है। सर, अगर लिया हुआ है और बहुत नीचे लेवल से लिया हुआ है, तो 338 के उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एंड और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 512 होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। अगर उनको थोड़ा ज्यादा और बहुत नीचे का है इन्वेस्टमेंट है तो उनको उनके लिए है 495। सो आप 495 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड इस काउंटर को इजीली आप होल्ड कीजिए। 495 स्टॉप लॉस मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ थोड़ा, बिकॉज सर 300 से ऑलमोस्ट 530 हो गया। कभी भी अपना 2 घंटा का एवरेज जो प्राइस है उनको ब्रेक नहीं किया, तो 2 आवर्स का एवरेज प्राइस का कैलकुलेशन करके आ रहा है ऑलमोस्ट 495। सो 495 इजीली क्लोजिंग बेसिक स्टॉप लॉस हो सकते हैं उनके लिए। जी, ठीक है। तो ये राय है प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स पे।